तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 8। तो क्लास 8 से हम क्वेश्चन नंबर 8 को ले रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज से। 7 क्वेश्चंस को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें लेफ्ट साइड पर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर 1.6 दिया हुआ है और राइट साइड पर y को डिवाइड हो रहा है, या जो y जो है ये डिवाइड किससे हो रहा है, 1.5 से। तो आपको पता है जब डिवाइड हो रहा है तो जब इसकी साइड चेंज होगी, ट्रांसपोर्टिंग होगा इसका, इसे ड्राइव करेंगे हम ये भी कह सकते हैं, या इसे चेंज कर इसे डिफरेंट साइड लेके जाएंगे। यहां पर ये क्या है, राइट साइड पर है, इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, देखिए y इज इक्वल टू, अगर मैं इसे यही लिखता हूं y इज इक्वल टू, यहां पर क्या है इसका क्या हो रहा है, यहां से इसकी साइड चेंज हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट में अगर हम इसे टर्न करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 1.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1.6 को, 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 में, तो 5 6 का क्या होगा 30, तो 30 का 0 नोट करेंगे, 3 कैरी हो जाएगा और 5 बन जाए 5, 5 एंड 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक क्रॉस लगा लेते हैं, 6 बन जा 6 एंड 1 बन जा 1। ठीक है, अब नोट कीजिए 0 में कुछ ऐड नहीं हुआ तो 0 हुआ, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, 14 का 4 हो जाएगा और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा आगे, 1 एंड 1, जो कैरी वाला 1 था 1 एंड 1 क्या हो गया 2। तो देखिए अभी जो हमें मिला है क्या मिला है, 240, पर ये 240 नहीं है, 240 नहीं है, क्योंकि हमें यहां पर डेसिमल दिए हुए हैं। तो डेसिमल हम कैसे लगाते हैं, डेसिमल के बाद के नंबर को काउंट करेंगे। तो एक तो जो हमारा ऊपर वाला है इसमें 1.6 है, 1.6 यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है, और नीचे भी क्या है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी टोटल डेसिमल से पहले नंबरों को काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 2, यानी 2 डिजिट है। तो पीछे से चलेंगे हम और आगे क्या करेंगे, 2 डिजिट को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ा 4 को छोड़ा, तो आपका डेसिमल कहां लग गया, यहां पर, यानी हमें क्या मिला, 2.40 भी कह सकते हैं या 2.4, दोनों एक ही बात है। तो स्टूडेंट y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2.4। अब देखिए हमने वेरिएबल राइट साइड पर लिखा और वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पर लिखी है, तो भी मतलब बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक ही बात है। यहां हम इसे क्या नोट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2.4। तो स्टूडेंट आपको आंसर अपना मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 8, y की वैल्यू क्या आई है, 2.4। ठीक है, 2.4 आ गई। अब अगर आप इसे चेक करते हैं तो आप यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करके इसे चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है, देखिए 1.6 इज इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू 2.4 इंटू क्या करें, मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे। अब देखिए अगर आप 15 से, देखिए डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल होगा, 15 से अगर हम 24 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, देख लेते हैं, 15 को डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो देखिए 15 बन जा 15, 15 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, 15 6 जा 90, तो आपको कितनी बार ये हुआ, 1.6, तो यानी कि 1.6। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या मिला, 1.6, और राइट साइड पर भी क्या आपको मिल गया, यानी हम क्या कह सकते हैं, LHS is equal to RHS, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जो आपने वेरिएबल की वैल्यू जो निकाली है y इज इक्वल टू क्या आया आपको, y इज इक्वल टू 2.4, यही आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 9 में मिलते हैं।